श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। इस अवसर पर न्यास दशक दस श्लोकात्मक ये स्तोत्र ग्रंथ है। न्यास दशक, न्यास तिलक एवं न्यास विंशति करके तीन ग्रंथ शरणागति के बारे में स्वामी वेदांत देशिक जी ने प्रणयन किया है। उसमें ये जो न्यास दशक है ये नित्य तिरुवाराधन में उपयोग करने के लिए एक परंपरा भी है इस स्तोत्र को, और भगवत आराधन करने की योग्यता पादक वस्तु ये पहले पहल माना जाता है, क्योंकि स्वस्वरूप ज्ञान चाहिए। एक एक चेतन खुद का स्वरूप क्या है, भगवत शेषभूतत्व ही स्वरूप है। स्वतंत्रता ऐसा कुछ है ही नहीं, एक व्यक्ति स्वतंत्र ऐसा नहीं है। कर्तृत्व में स्वतंत्र यद्यपि है, परंतु उसे भी त्यागना है, त्याग करना है। इसलिए कर्तृत्व त्याग और फल त्याग और खुद का रक्षण स्वयं कर सकते हैं ऐसी भावना का भी त्याग, ये सब स्वरूप ज्ञान आने के बाद एक चेतन को अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो भी इस स्तोत्र ग्रंथ में उक्त सब विषय अपने मन में शायद हो भी सकता है किसी न किसी को, परंतु इस प्रकार की प्रार्थना हम लोगों से संभव ही नहीं है कि जिस प्रकार वेदांत देशिक जी ने हमें हर दिन प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि हम चाहते तो यही हैं, परंतु अपने मुंह से कैसे प्रार्थना करना है वो मालूम ही नहीं रहता है, तो हम जैसे वैसे मांग बैठते हैं कि वो चाहिए ये चाहिए। परंतु तंत्रता से सब कुछ हमें जो चाहिए वो सबको मांगने की तरीका तो इस श्लोक में प्रतिपादित ही रीति है, और वो बहुत बहुत योग कर्मसु कौशलम, यानि भगवत गीता में कर्मसु कौशलम योगः ऐसा, और वो योगः यानि क्या है उसे द्वितीय अध्याय में प्रतिपादन करते वक्त इन सब चीजों को त्यागने की बात हुई है। वहां उस चीज को मन में रखते हुए इस प्रकार के अनेक अनेक तथ्यों को आचार प्राप्त, आचार परंपरा से जो बड़ों का आचार व्यवहार है उसमें से प्राप्त विषयों को, और हम कैसे आत्मसमर्पण भगवान को भगवान के पास करना चाहिए, ये सब प्रार्थना पूर्वक जो इस स्तुति की गई है एकदम विलक्षण और हरेक व्यक्ति को अनुसरण करने लायक बन जाता है। आप ही स्वयं अनुभव करने वाले हैं, मैं बीच में कुछ नहीं बोलना है कि केवल श्लोक का अर्थ बोलना है, इतना ही है। वेदांत देशिक जैसे कहते हैं उससे ज्यादा बोलने से भी अपनी अपना अपन कुछ उसमें जुड़ाने से भी ये गलत हो जाएगा ऐसा सोचकर मैं इस स्तोत्र का तो केवल अर्थ ही अर्थ बोलने वाला हूँ, क्योंकि जो समझना है वो आप स्वयं समझ सकते हैं। बीच में विस्तार करने से कहीं गलती भी हो सकती है। सत्याय मितभाषिणाम, मितभाषण करने के लिए जो रघुवंश के राजा लोग अभ्यास करते थे वो इसकी वजह से है कि कहीं ना कहीं गलती ना आ जाए ऐसा सोचकर मितभाषी बनते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे, ऐसा वर्णन रघुवंश में करते हैं। उस प्रकार मैं भी मितभाषी बनकर केवल इतना ही अर्थ बताऊ, अहम मद्रक्षण भरो मद्रक्षण फलम तथा न मम श्रीपतेरेवेति आत्मानं निक्षिपेत बुधः। बुधः आत्मानं निक्षिपेत, बुधः आत्मसमर्पण करें भगवान के सामने। ये कैसे करना चाहिए ये आत्मसमर्पण, कि मैं मेरा रक्षण का भार, मेरा रक्षण से जो फल प्राप्ति होने वाला है वो ये सब मेरा नहीं है, अभी तो भगवान का ही है, ऐसी भावना से आत्मानं बुधः निक्षिपेत, इस प्रकार समझकर आत्मा को भगवान के चरणारविंद में समर्पण करें। हम बस इतनी ही भावना है, क्योंकि आत्मवस्तु भी हमारा नहीं है, हम अपना समझ बैठे हैं, इसलिए जो अपना नहीं है उसे अपना समझ बैठे हैं, उसे किसका है उसके पास सौंप देना अच्छी बात है, कि हम
चोरोपनी चोरोपनीत नूपुरवत् स्वपादे, ऐसी बात देवनायक पंचाशत में कहते हैं वेदांत देशिक जी। तिरुवहींद्रपुरम जो वेदांत देशिक जी से बहुत ज्यादा संपर्क रखने वाला ये देश है, क्योंकि वेदांत देशिक जी बहुत साल तक वहां विराजमान रहे और अंतिम काल में भी वहां ही विराजमान रहे। इसलिए यद्यपि कर्नाटक प्रदेश इत्यादि घूम के श्रीरंग क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा उनके साथ उनको रहना हुआ, परंतु कांचीपुर क्षेत्र में अवतार हुआ, यहाँ भी थोड़ा दिन रहना हुआ, परंतु ज्यादातर रहे, अंतिम काल में भी रहे तो वो त्रिवेंद्रपुरम क्षेत्र है, जो जहाँ ही भगवान गरुड़ प्रत्यक्ष हुए और गरुड़ हयग्रीव मंत्र का उपदेश दिए। ऐसे भगवान की जो प्रार्थना करते वक्त मैं आपका चरणारविंद का जो नूपुर है उसको मैंने कभी चोरी कर लिया था, उस चोरी किया हुआ नूपुर को स्वयं चोर मैं आकर आपके चरणारविंद में फिर से सौंप देता हूँ, ऐसा आत्मसमर्पण करते वक्त आत्मा को भगवान का एक नूपुर उसको मैं चोरी कर लिया, क्योंकि मैं खुद का ऐसा समझ लिया हूँ वही तो चोरी है, आपकी जो चीज है आत्म वस्तु है उसको मैं मेरी समझ बैठा हूँ तो उसे मैं आपके ही चरणारविंद में फिर से सौंपने की चेष्टा करता हूँ, ऐसी भावना वहां प्रकट करते हैं। उसी प्रकार अहम मद्रक्षण बरहा मद्रक्षण पलम तथा न मम, ये अहम भी मेरा नहीं है, नहीं है, मद्रक्षण का भार भी मेरा नहीं है और मद्रक्षण का ही भार मेरा नहीं है तो मेरे आश्रित, ऐसा किसी को समझना ही गलत है और उन सबका रक्षण मैं करता हूँ ऐसा समझना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको दी हुई आज्ञा समझ के करना है उसे, और आपके आश्रित कुछ 10-15 लोग भी हों उनका रक्षण आप अपने हाथ में उठाए हैं तो उसे भगवान अपने लिए दिया हुआ कैंकर्य समझना है, भगवान करा रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऐसी भावना से रहना चाहिए। यद्यपि हम लोग इतना तो जानते हैं परंतु कभी कभी अहंकार बढ़ जाता है तो बाहर आ जाती है, तो उसे भी रोकने के लिए हमें प्रैक्टिस करना है तो ये इस स्तोत्र ग्रंथ को अक्सर बोलना है, अहम मद्रक्षण भरह मद्रक्षण पलम तथा न मम श्रीपते देव इति आत्मानं निक्षिपेत बुधा। मैंने उस दिन इस विषय में एक चीज कहना है कि इस स्तोत्र को, इस श्लोक को, इस पहला श्लोक को वल्लभाचार्य जी अपने व्याख्यानात्मक ग्रंथ में और इसका उल्लेख करके इस श्लोक की व्याख्या स्वयं भी किए हैं, अर्थात दूसरे संप्रदाय वाले आचार्य भी वेदांत देशिक जी का इस स्तोत्र को संपूर्ण रूप से देखे हैं और इस श्लोक को बहुत पसंद किए हैं कि पहला श्लोक को और व्याख्यान किए हैं। ये एकदम आश्चर्य की बात है कि मैंने जब वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों के साथ संपर्क में रहा, उनको पढ़ाने के लिए मौका मिला, तब उन ग्रंथों में इस श्लोक का व्याख्यान देखकर आश्चर्य हुआ कि अपने वेदांत देशिक जी की प्रसिद्धि किस प्रकार संप्रदायांतर में भी है। ऐसा दूसरा श्लोक है, न्यस्याम्य किंचन श्रीमन अनुकूलोऽन्यवर्जितः विश्वास प्रार्थना पूर्व आत्मरक्षा भरम त्वयी न्यस्यामि अकिंचन श्रीमन अनुकूलः अन्यवर्जितः विश्वास प्रार्थना पूर्व आत्मरक्षा भरम त्वयी। ऐसा इस श्लोक में अर्थपंचक को संभवतः ऐड करके इस श्लोक की रचना की गई है। अर्थपंचक यानी आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये। ऐसा सॉरी षड्विधा शरणागति है, शरणागति का 6 प्रकार बताया और अर्थपंचक अलग है, तो इन 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 सब चीजों को अंतर्भावित अंतर्भावित करके ये श्लोक की रचना की गई है, यानी इन सब को इकट्ठा करके, मतलब अंतर्भावित करके यानी एक नया पद है ऐसा समझना, इकट्ठा करके। न्यस्यामी मैं मेरा जो आत्मभार है उसको आपके चरणारविंद में न्यस्यामी यानी स्थापन करने वाला हूँ, कैसे हूँ उसके पहले मेरी योग्यता क्या है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, हर एक चीज के पहले अपनी आधिकारिकता है या नहीं, मैं आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो मेरे लिए उतना अधिकार है या नहीं,
हर काम करने के पहले ये सोचना जरूरी है, और अधिकारिता नहीं है तो अनधिकार चेष्टा हो जाएगी। हम अनधिकार चेष्टा तो बहुत करते हैं, पर दिन प्रतिदिन व्यवहार में भी हमारी अनधिकार चेष्टा बहुत होती है। और उस प्रकार मैं आत्मरक्षा भर को मैं स्वयं रखने के लिए अधिकारी हूं या नहीं, ये पहले समझू। तो अकिंचन, हाँ, ऐसे ऐसी एक योग्यता पादक तत्व है, अर्थात उसको योग्यता बनना है तो पहले वो अकिंचन अकिंचन होना है। अकिंचन यानी क्या है? न किंचित वर्तते इति अकिंचन, कुछ भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं, रिक्त हस्त हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, और ये भावना पहले पहले आना चाहिए। हाँ, आई एम समथिंग, ऐसी भावना से आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स, आई मे बी हैविंग, यानी हो सकता है आपके पास बहुत तत्व, वो आपका है ही नहीं, केवल आपको इधर रहते वक्त उपयोग करने के लिए दी हुई चीज है। इसलिए अकिंचन, हाँ, ऐसा अकिंचिन्यम बोलते हैं इसे, अकिंचिन्यम अनन्य गतित्वम, ये दो चीज बहुत जरूरी है शरणागति करने वालों को। अकिंचिन्यम यानी मेरे पास खुद को रक्षण करने के लिए कोई उपाय नहीं है, ये भावना है। कुछ नहीं है का मतलब कुछ नहीं है तो क्या नहीं है, मेरा रक्षण के लिए मेरे पास उपाय नहीं है, ये मतलब। अर्थात लक्ष्मी जी राजी रही, थोड़ा अर्थ मिल गया, और सरस्वती जी राजी रही, यानी हयग्रीव भगवान की कृपा थोड़ा सा हो गया था पहले, कभी थोड़ा ज्ञान हो गया, इसका मतलब सब कुछ नहीं है। ये जब तक भगवान के पास इस आकिंचन्य के साथ शरणागति करना है, ये भावना नहीं आती है, तब तक ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं है। तो भी मैं ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ, बहुत सारा ज्ञान पाया हूँ, उन शास्त्रों को पढ़ा हूँ, उन शास्त्र के विद्वानों के साथ वाद विवाद किया हूँ, मैंने जबरदस्त जीत हासिल की है वहां यहाँ, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। और ये सब केवल बाह्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब मिलने के लिए पात्रता शायद वो सब हो सकती है, परंतु भगवान का नित्य लीला, नित्य कैंकर्य प्राप्ति करने के लिए तो ये सब कहीं भी काम नहीं आने वाला है। ना हम ज्ञानी, ना हम वेदे ही, न तपसा, न दाने, न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाम यथा, ये मैं वेद से भी, वेद ज्ञान है मेरे पास, मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ तो संभव नहीं है। ना हम वेदे ही, न तपसा, तपस्या बहुत किया हूं, नहीं संभव है। न दाने न, बिल्कुल नहीं, न से इज्जया, नित्य तिरुवाराधन करता हूँ, नित्य पूजा करता हूँ, संभव है, नहीं हो सकता है भाई। परंतु कैसे संभव है? भक्तिया त्वनन्यया शक्यः हम एवं विदो अर्जुन, अनन्यया भक्तिया, और अनन्या भक्ति, अचंचला भक्ति ही, एक ही देवता में और भगवान श्री कृष्ण में अथवा भगवान श्री विष्णु में, दोनों एक ही हैं, उनमें अचंचला भक्ति चाहिए। यानी आज ये मंदिर जाए, वो मंदिर जाए, दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं और कहीं चला जाए, तो ये संभव नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति ही होनी चाहिए, नहीं है ना? अकिंचन है ना, अकिंचन्य होना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है उपाय के रूप से, आप ही का चरणारविंद के सिवाय कोई उपाय नहीं, भावना। श्रीमन, हे श्रीमन, ऐसी भगवान के लिए विशेषण है। अनुकूलोन्यवर्जितः, अनुकूलः अन्यवर्जितः, मैं आपका अनुकूल सदा रहूंगा, ऐसी भावना। अनुकूल का प्रतिकूल अन्य, यानी प्रतिकूल कभी नहीं रहना भगवान के विषय में, भगवान न केवल भगवान, भगवान से आश्रित लोगों से अगर आप झगड़ा करेंगे तो भी आप भगवान से झगड़ा किए हैं, ऐसा ही मतलब है। इसलिए भागवत धर्म ये कहता है कि भगवत भगवान भगवदाश्रित लोगों के साथ कैसे वर्तन करना है। आपका कितना भी वहीवट, धंधा इत्यादि में कहीं भी प्रॉब्लम हो, एक दूसरों के साथ भी भगवान की इच्छा समझ कर चलते बनना है, ये कैसे संभव है? ये संभव है, हम केस तो जानते हुए लोगों के ऊपर ही केस टोकते हैं। एक भागवत दूसरे भागवत के ऊपर केस टोक देता है, ये तो बिल्कुल असंभव है कि वस्तुतः भागवत धर्म मालूम हो तो। इसलिए मैंने ज्यादा बोल दूं तो बहुत सारे केसेस कैंसिल हो सकता है इस जरिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर कहते हैं कि कितना सारा केस डालते रहेंगे।
और केसेस बहुत ज्यादा हो जाता है कि अरे अपने आप संभालना चाहिए, आत्मा 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 को हम संभाल लेंगे तो बस होने दो, भगवान की इच्छा है, ऐसी भावना आखिर ऐसा कर लें, सहन करना सीख लें तो सब संभव है। और परंतु इधर ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसलिए अकिंचनः श्रीमन अनुकूलः अन्यवर्जितः, अनुकूलता से भगवान के विषय में अनुकूल हूँ, सदा के लिए भगवान के विषय में मैं उनको सहाय रहूंगा, उनके सेवा भावी रहूंगा, प्रतिकूल कभी नहीं रहूंगा। क्योंकि कुछ लोगों को प्रतिकूल रहना ही आता है, अनुकूल रहना नहीं आता है। जैसे हिरण्यकशिपु हैं, कंस हैं, रावण हैं, इन सबको भगवान का प्रतिकूल रहना ही आता है, अनुकूल कभी नहीं सोच सकते। परंतु ऐसा नहीं रहना है, विभीषण जैसा रहना है, सुग्रीव जैसा रहना है, प्रतिकूल कभी नहीं सोच सकते, अनुकूल ही सोच सकते। अनुकूल यानी सकारात्मक रहना, नकारात्मक नहीं रहना, ये मतलब है अनुकूल अन्यवर्जित। अनुकूल अहम न्यस्यामि, अकिंचनः अहम न्यस्यामि, अनुकूल अहम न्यस्यामि, अन्यवर्जित अर्थात अनुकूल का विरोधी प्रतिकूल से वर्जित, यानी एक्सक्लूडेड बाय प्रतिकूल, मतलब प्रतिकूल से वर्जित होकर। विश्वास प्रार्थना पूर्वम भगवान रक्षिष्यति विश्वास, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षिष्यति इति विश्वासः, उसे इधर के विश्वासः विश्वास प्रार्थना, ये प्रार्थना है, विश्वास प्रार्थना, विश्वास के साथ प्रार्थना। स्वामी विश्वास तो एक बार होना है, हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हर दिन प्रार्थना करेंगे तो विश्वास, पहले दिन का विश्वास उड़ गया ऐसा मतलब है? नहीं नहीं, प्रतिदिन उस पहले किया हुआ एक मुख्य जो प्रार्थना है, प्रपत्ति है, शरणागति है, उसको अनुदिन प्रतिदिन अनुसंधान करने के लिए ये उपाय है। न तो डेली शरणागति करते रहना है, पहले दिन जो भगवान आचार्य के द्वारा जो अनुष्ठित शरणागति है और उसे हम हर दिन स्मरण करते हैं, वो स्मरण करने के लिए ये स्तोत्र हमारे लिए काम आता है। इसलिए बार बार नहीं, विश्वास हट न जाए कि मैं दूसरे दिन चला जाना वहां, यानी कुछ लोगों को डर है कि वो कभी वापस देगा या नहीं, 10,000 रुपया किसी को दे दिया समझ, और वापस देने की बात तो हुई है परंतु वो देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा। उस दिन तो बताए हैं गीता में भगवान अर्जुन को, और अर्जुन को दृष्टांत के रूप से रखकर हर चेतन को मैं मोक्ष देता हूँ, सर्वधर्मान परित्यज में कहे हैं, परंतु भरोसा नहीं है हर दिन जाकर देंगे, देंगे ना, जरूर देंगे ना, ऐसा नहीं पूछते रहना कि, परंतु विश्वास के साथ रहना। ये मतलब कि हम ज्यादातर बिजनेस पीपल है ना, ये इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि किसी को फॉलो अप करना है तो फॉलो अप का मतलब समझे नहीं, फॉलो अप का मतलब है एक विश्वास के साथ रहना ही, और समय समय पर याद करना, बस इतना ही है कि उस दिन की शरणागति को याद करना, परंतु उनके सामने जाकर फिर से नहीं मित्र रोना। इसलिए विश्वास प्रार्थना पूर्वम आत्मरक्षा भरम त्वयि न्यस्यामि, आत्मरक्षा भर को, आत्मरक्षण का भर को त्वयि न्यस्यामि, ये है। शायद ऐसा भी इसका व्याख्यान हो सकता है कि शरणागति करने के पहले एक व्यक्ति की प्रार्थना हो, और न्यस्यामि शब्द क्योंकि भविष्यत प्रयोग है, ले ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते। स्वामी स्वामिन स्वशेषम स्ववशम स्वभरत्वेन निर्भरम स्वदत्त स्वधिया स्वार्थम स्वस्मिन न्यस्य सीमाम स्वयं, क्या क्या प्रार्थना है, देखिए कैसे प्रार्थना करना है सिखाते हैं। ये श्लोक समझने के बाद हम लोगों को बहुत काफी चीजें समझ में आ जाता है कि हाँ प्रार्थना तो ऐसी करनी चाहिए यार, तो हम लोग इतना दिन तो ये मालूम ही नहीं रहा ये रहस्य, हम जैसे वैसे प्रार्थना कर बैठे थे, ये मेरी माता जी की तबीयत ठीक हो जाना, और एक ही प्रॉब्लम रहता है, एक समय पर एक प्रॉब्लम रहता है कि मेरे शिरोवेदना होती, अगर ये शिरोवेदना कम हो जाए ना, मैं तो ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा, सब कुछ सोचेंगे, परंतु कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। ये न्यास दशक को हम व्याख्यान करूं इस प्रकार हिंदी में बोलूं, ऐसा 3 दिन से प्रयत्न चल रहा है, हो नहीं रहा है, कि कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कभी समय का अभाव है, कभी तबीयत ठीक नहीं रहता है, परंतु आज भी समाप्त करने तक भगवान की कृपा के साथ ये समाप्त करना है, परंतु मेरी प्रयत्न से तो होने वाला नहीं है, मुझे बिल्कुल मालूम है।
इसलिए इस काम का जो एक काम समझ लीजिए, ये न्यास दशक को व्याख्यान करना है कि इस चीज को भी मैं भगवान के पास ही सौंप देना चाहिए कि नहीं नहीं आपका काम आप कर लो, मैं तो केवल उपाय हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं इसमें, मुझे उपाय भी मत समझना, आप ही उपाय हैं, आप ही सब कुछ करवा रहे हैं, मैं तो साधन कोटि में भी मैं कहीं नहीं आता हूँ, आप चाहे तो साधन बनाइए, इसे समाप्त कर लीजिए। ये प्रार्थना स्वामिन स्वशेषम, आपका ही शेषभूत तत्व है मैं, स्ववशम आपका ही वशीभूत तत्व है, स्वभरत्वेन निर्भरम आपके पास मैं भार को अर्पण कर लिया हूं इसलिए मैं निर्भर हूं अभी, स्वभरत्वेन निर्भरम आपका भार हूं ना, मैं क्यों अभी मेरे बारे में सोचना है, स्वभरत्वेन निर्भरम। कितना सुंदर बात है कि आप मैं मेरा भार हो तो तब मैं मेरी चिंता करना चाहिए, मेरे चिंतन करना चाहिए, मेरे बारे में भविष्य के बारे में चिंतन करना चाहिए, मैं क्यों अभी करूं, मैं तो आपका हूं, आप जो करना है कर लो, ये भावना आनी चाहिए। स्वभरत्वेन निर्भरम स्वदत्त स्वदीया स्वार्थम, मैं मेरा ये की काम है कि मैं मेरा आपको सौंप दूं बस, दूसरा कुछ मेरा करने का आई नहीं, क्योंकि वो भी एक बार मैंने मेरा मुझे अपना समझ लिया, मैं मेरा हूं ऐसा समझ लिया, तो मैं तो हम मैं बोला तो उसकी वजह से ये संसार हुआ मेरे लिए, इस संसार से अभी तो त्रस्त हूं, त्राहिमाम परिस्थिति है। स्वदत्त स्वदीया स्वार्थम आप ही से दत्त बुद्धि से आप ही के पास आप ही के लिए स्वार्थम, तुम आपके लिए कहीं ना कहीं यूज कर लो नहीं तो फेंको, स्वार्थम स्वस्मिन् यस्य सीमां स्वयं स्वयं स्वस्मिन्, आप ही आप मुझे खुद में रखवाते हो, न्यास करवाते हो, आप ही करवाते हो, मैं नहीं कर रहा हूं ये भावना को भी छोड़ देना चाहिए कि मैं तो कुछ कर रहा हूं, स्वस्मिन् स्वयं न्यस्यसि, न्यस्यति न्यस्यसि नहीं न्यस्यति, वही सुंदर है, अहम या सः त्वम यानी न्यस्यसि आएगा इधर, भगवान ऐसा मतलब रख देना, स्वस्मिन् न्यस्यति खुद में स्वयं रखवाते हो मुझे, खुद में स्वयं न्यास करवाते हो, शरणागति करवा लेते हो, मैं नहीं कर रहा हूं, विभीषण आकर स्वयं शरणागति किया ऐसा वो स्वयं नहीं सोचना चाहिए, विभीषण को ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझे अपने चरणारविंद में स्वयं ही स्वीकार कर लेते हैं, स्वयं ही प्रार्थना पूर्वक उनको शरणारविंद में शरणागति करवाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये भावना आनी चाहिए किसी को भी, स्वामिन स्वशेषम, क्योंकि वो आपकी चीज है तो आप ही करवाएंगे ना, मेरी चीज है तो ही तो मुझे करवाना है, स्वशेषम आपका शेषभूत वस्तु आपके वशीभूत वस्तु को आप ही स्वयं आपके पास स्वयं सौंप जाने की वजह से निर्भर तत्व को आप ही स्वयं मैं नहीं स्वयं खुद के खुद में कहाँ रखवाते हो, खुद में स्वचरणारविंद में रखवाते हो आप चाह, क्योंकि ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, गीता में कहे हैं मैं ऐसा बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आता है, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सचम मम प्रियः, मेरे लिए जो प्रीतिमान बनता है वही मेरे लिए मेरे पास आकर मुझे सौंप मुझे खुद को सौंप सकता है, कि मतलब ये तो मैं भी नहीं हूं कर सकता हूं पर आप ही करवाते हो, ऐसी भावना को इस श्लोक में प्रकट करते हैं। अगले का श्लोक, श्रीमन अभीष्ट वरद त्वाम अस्मि शरणंगतः एतत् देहावसाने माम तुत्पादं प्रापय स्वयं, सुंदर प्रार्थना है, हरेक व्यक्ति को प्रार्थना करने लायक है कि अगले जन्म में मैं इतना ही बड़ा ये वणिक बनू, तो मैं इतना ही बड़ा राजा बनू, इतना ही बड़ा ब्राह्मण श्रेष्ठ बनू, वेदाध्ययन करूं, वो करूं, ये करूं, शास्त्र का अध्ययन करूं, बाद में मैं सुंदर सेटल हो जाऊं और विदेश में जाऊं, वहां भी जाकर मौज मस्ती करूं, ये सब भावना से अगले जन्म की चिंता करने वाले लोगों को बहुत समझना है ये श्लोक। श्रीमन अभीष्ट वरद है, देखिए अभीष्ट वरदा का मतलब है वो स्वयं जिसको जितना जो जाना जो देना चाहते हैं वो देने वाले हैं, और अभीष्ट यानी और अभीष्ट कौन सा हो सकता है कि मैं मेरा अभीष्ट नहीं है, उनका खुद का अभीष्ट को स्वयं देने वाले हैं, मोक्ष रूपी जो श्री वैकुंठ है वो उनको सब लोगों को देने के लिए अभीष्ट है। और ए श्रीमन अभीष्ट वरद है, आप अपनी इच्छा से जो देना चाहते हो वो देते हो, यानी अभीष्ट वरद है, क्योंकि मेरा अभीष्ट ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए,
मेरा अभिष्ट ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकरण वश वश देखा जाए तो मेरा कोई है ही नहीं, मैं खुद को सौंप दिया हूं, तो मैं क्या अभिलाषा करूं। तो भगवान स्वयं जो अभिष्ट है उनके लिए क्या एक एक चेतन को देना है उनको मालूम है, उस चेतन को स्वयं अभिलषित श्री वैकुंठ को भी देने के लिए समर्थ त्वाम अस्मि शरणंगत, आपको मैं शरणागति किया। एतद् देहावसाने माम तत्पादं प्रापय, स्वयं स्वयं प्रापय, आप ही स्वयं एक ही काम करना। एतद् देहावसाने, इस देह के अवसान में, इस देह के अंतिम समय में तत्पादं प्रापय, आपके चरणारविंद में प्रापण करवा दो। क्योंकि एक तिजोरी में रखकर और उस तिजोरी के अंदर रहने वाला जो छोटा सा एक छोटी सी पेटिका है उसके अंदर सुरक्षित रखवा दो बस। क्योंकि हम लोग किसी के पास न्यास करने जाते हैं, न्यास का मतलब है ना गिरवी रखना, ये भी मतलब है न्यास का। न्यास शब्द का अर्थ है गिरवी रखना। और हम जाते हैं दुकान में अथवा कहीं बैंक में अपने आभूषण को रखते हैं, स्वयं ही रखवाते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं लोग, आप ही रखो भाई, आप ही के पास एक चाबी रहेगी हालत रहता है। और यहाँ भी न्यास करते हैं तो भगवान से बोलते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा, आप ही रखो, क्योंकि ये तो चीज ही आपकी है, मेरी है तो मैं रखूं, और मेरे पास ही एक चाबी रहेगा, बैंक के पास एक चाबी रहेगा, नहीं ऐसी चाबी की जरूरत मेरे लिए है नहीं, तू ही रख लो बस। स्वामिन श्रीमन अभीष्ट वरद त्वामस्मि शरणंगतः, एतद् देहावसाने माम तत्पादं स्वयं प्रापय, आप ही प्रापण करो, मैं नहीं करवा सकता, मैं कोई शरणागति नहीं, सब ये तो लौकिक व्यापार है। परंतु अलौकिक तत्व तो ये है कि अलौकिक तत्व एक लौकिक तत्व को अलौकिक तत्व बनाकर अपने में रख लेता है, बस ये समझना। त्वच्चेषत्वे स्थिरधियं त्वत्प्राप्त्यैक प्रयोजनं निषिद्ध काम्यरहितं कुरुमां नित्यकिंकरं त्वच्चेषत्वे, बस आज जो बुद्धि प्रदान आप किए हैं जिसकी वजह से मैं खुद को सौंपता हूँ अथवा स्वयं खुद को सौंपने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो स्थिर रहना है कि क्षण 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 चित्तम ऐसा बोलते हैं तमिल भाषा में, क्षणे चित्तम क्षणे पित्तम है, एक क्षण में चित्त अच्छा रहेगा और दूसरे क्षण में क्या है पित्त हो जाएगा, पित्त द्रव्य ज्यादा हो जाएगा तो वो तो पागल बन जाएंगे। अरे आज देने के लिए बात किया है तो थोड़ी देर के बाद नहीं नहीं मैंने ऐसा बोला ही नहीं है, परिवर्तन हो जाता है कि बस बोलो भाई आप अपने आप मेरे द्वारा स्वयं सौंपने की बात कर दिए हैं। भगवान पूछते हैं कि ये बुद्धि सही स्थिर रहेगा, कि इसलिए हम लोग क्या है किसी के ऊपर अपना जो अपनी संपत्ति अपने ही बेटा को या अथवा और किसी के नाम से भी लिखते हैं तो लिखना पड़ता है, नहीं तो उस वक्त वो ये भी लिखना पड़ता है मैं बुद्धिपूर्वक दे रहा हूँ, मुझे कोई कंपल नहीं कर रहा है, मैं मेरी बुद्धिपूर्वक दे रहा हूँ, ऐसा भगवान भी इधर लिखवाते हैं हमसे। तो शेषत्व स्थिरतियम, आपकी शेषत्व में मेरे लिए स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, आपका मैं शेषभूत हूँ, ये तत्व में अचंचला बुद्धि होनी चाहिए कि आज शेषभूत तत्व हूँ समझ कर, नहीं 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 तो उस दिन बोला होगा, बोला तो मैं अभी नास्तिक बन गया हूँ, बस मैं मेरा आपका संबंध नहीं, ऐसा नहीं बोल देना। इसलिए तो शेषत्व स्थिरतियम त्वत्प्राप्ति एक प्रयोजनम, आपकी आपकी प्राप्ति एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए, दूसरा प्रयोजन ही नहीं होना चाहिए यार, उसको क्यों यार आप आपकी सुंदर कन्या को आप उस घर पे क्यों दे रहे हैं भाई यार, धन धन के साथ मिलेगा तो और दुगना हो जाएगा ना, दुगना तिगुना हो जाएगा, इसलिए मैं मेरी बेटी को उस घर में दे रहा हूँ, ये कोई उचित बात है यार? भगवान के चरणारविंद में आप क्यों न्यास करवा रहे हो यार, मुझे तो वैकुंठ प्राप्ति होगी ना, तो वहां जाकर मैं बहुत ज्यादा मस्ती करूंगा ना, वहां रहने वाले जो बाकी नित्य चेतन और बद्ध चेतन सबको मैं मेरी मुट्ठी में रखूंगा ना, ये भावना से जाए तो किसी को आप अपने मुट्ठी में नहीं कर सकते हैं। मैं ये मेरी बेटी को इसलिए उस घर पे दे रहा हूँ कि पूरा पूरा मेरा हो जाएगा, कल मेरी बेटी तो इतनी मुझे पसंद करेगी जितनी उतनी किसी को नहीं पसंद करेगी, ये भावना से स्वयं बड़ा बनने के लिए कुछ लोग लड़की प्रदान करते हैं, ये तो हम लोग देख चुके हैं ना, शायद ऐसा ही होता है। हाँ मैं गुजरात में यहाँ तक देखा था कि एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में बेटी दे देते हैं, उस संप्रदाय वालों को सबको इस संप्रदाय में ला खड़ा कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने अपने धर्म में रहना चाहिए। तो यद्यपि दूसरे विषय में कहा हुआ है तो भी हम यहाँ भी ले सकते हैं।
शेषत्व स्थिरधियम, आपके शेषत्व, आपका शेषभूत, इस अर्थ में स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, आपका आपका आपकी प्राप्ति के सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए, तो प्राप्ति ही प्रयोजन होना चाहिए। वहां जाने के बाद मैं तो वो करूंगा ये करूंगा, संभव ही नहीं है। कुछ करना भगवान की इच्छा के बिना वहां कुछ नहीं चलेगा। आपकी जो इच्छा है वो भी भगवद अधीन हो जाएगा, कि इसलिए कोई आपकी अलग चिंतन ही नहीं रहेगा, तो आप कहां आप चिंतन कर सकते हैं अथवा वहां के लोगों को मुट्ठी में रख सकते हैं, ये सब संभव नहीं है वहां। यहाँ पॉलिटिक्स जो भी है ये इस दुनिया में खेलते हैं, बस बस यहाँ खेलते यही ज्यादा है, यहाँ भी नहीं खेल सकते वस्तुतः। यहाँ खेलने की भावना जो करती है वो भी गलत है। तो प्राप्ति एक प्रयोजनम, दूसरा प्रयोजन नहीं, प्रयोजनांतर निरपेक्ष होना चाहिए। यहाँ जो हमारी जो वाणिज्य बुद्धि या क्षत्रिय बुद्धि या ब्राह्मण बुद्धि हो या शूद्र बुद्धि हो, ये सब काम नहीं करेगा वहां जाकर, क्योंकि हम बोलते ही हैं ये देखो हर एक में कुछ ना कुछ कमियां इधर होती ही है। अपनी कमी को जो मानता है वो जरूर सही आदमी रहता है, कि अपनी कमियों को इधर छोड़ देना चाहिए, वहां तो कम से कम शुद्ध भावना से जाना चाहिए। तो प्राप्ति एक प्रयोजनम निषिद्ध काम्य रहितम, काम्य विषयों में कोई प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, वो चाहिए मुझे, ये चाहिए, कोई नहीं चाहिए। हम किसी के घर पे जाते हैं तो क्या कर देते हैं कि उन घर पे क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है और इसकी संपत्ति के बारे में क्या अंदाज है, वो सब अंदाज लेके आते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी वैकुंठ में जाने के बाद विभाग इतनी संख्या में नित्य हैं, वहाँ इतनी संख्या में चैतन्य इधर से पहुंचते हैं, इतनी संख्या में नित्य लोग हैं, आदिशेष तो इतना बड़ा है, पर्यंक है, उसमें तो भगवान आराम से झूल झूल रहे हैं, क्षीराब्दिशाही भी हैं, और वहाँ क्षीराब्दि से जाकर वहाँ श्री वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ में बहुत ही अच्छा सहस्त्र सुना मंडप है, बस ये सब कहाँ हमारे पास है, ऐसी भावना भी नहीं आएगी वहां जाने के बाद, क्योंकि ऐसे लोगों को ही वहां ले जाते हैं जिसका मन उनके कंट्रोल में रह सकता हो और निषिद्ध काम में। इसलिए हम लोग इधर ही प्रैक्टिस करना चाहिए इस चीज को, परंतु हम जिसमें अभ्यास कर रहे हैं उसमें ये सब संभव नहीं है, इसलिए उन सब चीजों से मुक्त होकर वस्ती वैकुंठ में तो स्वार्थ के बिना ही जाना चाहिए। निषिद्ध काम्य रहितम, इसलिए कोई स्वार्थ ना हो। गुरुमाम नित्य किंकरम, केवल कैंकर्य नित्य किंकर बना दो मुझे, नित्य आपकी सेवा बा, और वहां जाने के बाद भी मेरी सेवा ये है, वो उसका सेवा ये नहीं देना है, मेरी सेवा से कम सेवा उसको देना है, ये सब भावना वहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसलिए हम प्राकृतिक तत्व जो भी हम इधर सीखे हैं, इधर एक दूसरे के साथ असूया प्रकटन इत्यादि इत्यादि, और वो काम मैं करूं, ये काम वो करें, क्यों मुझे ही ये काम करना है, वैकुंठ में जाकर वैकुंठ द्वार में पोता लगाने का काम भी भगवान दे दे तो करना चाहिए, कि वहां कोई कैंकर्य में कोई फर्क नहीं है, सेवा में कोई फर्क नहीं है, हर सेवा योग्य सेवा होती है। नहीं नहीं मैं तो चामर ही चलाऊंगा, मैं तो छत्र ही पकड़ूंगा भगवान का, नहीं नहीं मैं तो पूजा ही करूंगा, ये सब वहां संभव नहीं। निषिद्ध काम में कुरुमाम नित्य किंकरम, कोई भी सेवा हो आपकी सेवा, हर सेवा सेवा होती है, असा नित्य किंकरम करो। हम मंदिर में जाके भी इतनी झगड़ा नहीं करते हैं, हमारे में विवेक है, सब लोगों में जो मिलता है वो सेवा करके आते हैं, सही बात है ना। तो ये तो मैं बहुत सारे लोगों में देखा हूँ, वहां जाकर झगड़ा नहीं करते, मंदिर में झगड़ा करना ये सब ये तो बहुत ही निकृष्ट लोगों का काम है। देवी भूषण हेत्यादि जुष्टस्य भगवन स्तव नित्यम निरपराधेशु कैंकर्येषु नियुंक्षु माम। दे आर इस श्लोक में भगवान अखिल हे अखिल कल्याण गुणाकर हैं। देवी भूषण हेति आदि जुष्टः, आदि याने और देवी याने लक्ष्मी जी हैं, भूमा देवी हैं, नीला देवी हैं और आभूषण बहुत हैं, हेति याने सुदर्शन भगवान हैं इत्यादि अनेक आभूषण भी हैं और अस्त्र भी हैं, अस्त्र भूषण इत्यादि हैं, उन सबसे जुष्टस्य भगवन स्तव इत्यादि से विराजमान हे भगवन तव नित्यम निरपराधेशु कैंकर्येषु, आपके अपराध जहां ना हो ऐसे कैंकर्यों में मुझे आप नियुक्ति कर दें। नित्यम निरपराधेशु कैंकर्येषु नियुंक्ष्व, अपॉइंटमेंट करो मुझे, कोई अपराध ना हो, बस ऐसी सेवा मैं जो कर सकता हूँ कर उसमें मुझे मेरी योग्यता समझकर नियुक्त कर लें, बस ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। नित्यम ऑलवेज नित्य मैंने आज करके कल नहीं हो ऐसी स्थिति ना हो। नित्यम निरपराधेशु, अपराध के बिना रहने वाली जो
कई कार्य हैं, सेवा हैं उसमें, क्योंकि मैं अचानक आदिशेष बन जाऊं ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। वहां जाकर मुझे आदिशेष बना दें, और उसमें तो तुम्हारा अपराध भी हो सकता है, क्योंकि आदिशेष तो ऑलरेडी सेवा में नियुक्त हैं, उसको कैसे आप मांग सकते हो? मांगोगे तो और एक चेतन के लिए अपराध कर रहे हो, इसलिए निरपराध कैंकर्य जो भी है, सापराध कैंकर्य नहीं, निरपराध कैंकर्य जो भी हो, जिसे प्रार्थना करने से जो मिल सकता हो वो कर। नहीं नहीं मैं तो ये उत्सव ही त्योहार ही मुझे करना है, क्योंकि कुछ लोगों को मंदिर में कोई ना कोई सेवा मिलती है, साल में एक बार एक उत्सव कराने के लिए मौका मिल जाता है। पड़ोसी को श्री वैकुंठ नाथ भगवान की जो श्रृंगार है उसकी सेवा मिली है, और एक तो को तो सामान्य रामावतार की सेवा मिली है कि वैकुंठनाथ और इससे वो श्रेष्ठ, ऐसा मत समझ लेना कि वो मुझे मिले, पड़ोसन को जो मिला है और पड़ोसन से बातचीत करके मुझे वो सेवा कर लोगे तो मैं तो 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देता हूँ तुम्हारे लिए, तो मुझे वो दे दो। नहीं 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 ऐसा नहीं चलेगा, और इसलिए नित्यम निरपराध कैंकर्य, उसमें सापराध कैंकर्य हो जाएगा, और किसी की अपेक्षा करना और सेवा, किसी सेवा की अपेक्षा करना। हम कांचीपुर क्षेत्र में एक महनीय विद्वान थे और जिनका नाम लेने से ही सब लोग खड़े हो जाते हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं, ऐसे नावलपाकम स्वामी इधर विराजमान थे, जो अय्या स्वामी जी के भी आचार्य हैं और जो हम सब अय्या स्वामी जी के शिष्य हैं, और मेरा बर समर्पण उनके द्वारा भगवान को सौंपा गया है कि वो उन स्वामी जी के आचार्य हैं जिनका नाम बहुत सादर आज तक लिया जाता है कि शास्त्रों में इतने बड़े वेता, कितना पुरस्कार देने से भी कोई कम पड़ेगा उतना शास्त्र ज्ञान, अनुष्ठान इत्यादि, प्रतिदिन कैसे सेवा करना है, भगवान के आराधन कैसे करना, वो सब बहुत धनिक नहीं होते हैं। धनिक होना कोई बड़ी बात ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा उन लोगों को देखकर हम समझ पाए। और धनिक तो कोई भगवान की इच्छा से हो भी जाएगा, परंतु इतनी बड़ा निष्ठा से सेवा करने के लिए तत्पर होकर रहना कई कई चेतनों में एक चेतन को मिलता है। और ऐसे एक व्यक्ति हैं, क्योंकि वो कैंकर्यों में बहुत सारे कैंकर्य है तो भी वो और आलवट्ट कैंकर्य बोलते हैं कि मतलब और भगवान को हवा फेंकने का काम करना है, अर्थात हाथ में एक फैन, हाथ से हाथ की पंखा लगा, हाथ में पंखा जैसा एक रखकर उससे कैंकर्य करना। वो इतना छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, परंतु वो सेवा वो करते थे। इतनी बड़ी विद्वत्ता हासिल करने के बाद वो जो चाहे वो मिल जाएगा इधर, नहीं 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 ऐसे निरपराध कैंकर्य होना चाहिए, जो जिसमें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हो, बस अरे यार वहां पड़ा है उस चीज को ले लो अपने हाथ से, भगवान के लिए थोड़ा हवा चला दो, बस इस प्रकार की सेवा में वो कभी कभी अगर वो भी कहीं और कोई कर रहा हो तो भगवान के पास एक दीपट्टी लेकर खड़ा रह जाना, का मतलब एक दीप जैसा, वहां बड़ा दीप जैसा एक जलेगा तो उसे कहते हैं दीवट्टी कहते हैं तमिल भाषा में, उसे लेकर खड़ा हो जाना, बस कहीं ना कहीं सेवा करना है, यही भावना है कि मैं वही सेवा। इतनी सरलता को उनको देखते हुए भी और आम जनता भी इतने इतने बड़े विद्वान बोले जाते हैं कि बस कितना बाल जैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि निरपराधेश कैंकर्येषु नियुंक्ष्व माम, मुझे ऐसे काम में निरपराध कैंकर्यों में मुझे नियुक्ति करो माम। ये प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना, एक एक प्रार्थना इतनी सुंदर प्रार्थना है कि ये देखिए ये श्लोक तो मैं हम लोग हर दिन कम से कम पूरा बोलना है, ये श्लोक तो जरूर मैं याद करता हूँ। माम मदीयंच निखिलम चेतना चेतनात्मकम स्वकैंकर्योपकरणम वरद स्वीकुरु स्वयं माम, नॉट ओनली मई सेल्फ, मैं केवल नहीं हूँ, मेरे आश्रित मदीयम च निखिलम चेतन हो या अचेतन हो, मेरे आश्रित चेतन हो, पुत्र पौत्र कलत्र इत्यादि हो, और अचेतनात्मक ये घर हो, मेरा वाहन हो, और घर में रहने वाला आभूषण हो, यो कोई भी हो चीज, ये आप स्वकैंकर्य उपकरणम, आपके कैंकर्य के लिए उपकरण के रूप में, साधन के रूप से, हे वरद स्वयं स्वीकुरु, आप ही स्वयं स्वीकार कर लें। घर पे जो भी चीज है, चेतन हो या अचेतन हो, नॉट ओनली मी, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे घर पे
मेरे आश्रित कितने भी चेतन हैं, कितने भी अचेतन तत्व हैं, इन सबको आप अपने उपकरण के रूप से स्वीकार कर लो। कितनी सुंदर प्रार्थना है, कितनी दिल से प्रार्थना की जाती है। माम मदीयंच निखिलम चेतना चेतनात्मकम स्वकैंकर्य उपकरणम वरद स्वीकुरु स्वयं त्वदेक रक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवर्तय। नेक्स्ट प्रार्थना, आप ही के रक्ष्य हूं मैं, त्वदेक रक्ष्य, और कोई रक्षण कर नहीं सकते हैं। त्वदेक रक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर, आप ही केवल आप करुणा कर। न प्रवर्तय पापानि, कोई पाप न प्रवृत्त हो। प्रवृत्तानि निवर्तय, जो प्रवृत्त हो गया हो उसको भी निवर्तन करें। जो पाप प्रवृत्त हो गया हो, पहले अनुष्ठान कर दिया हो, गलत काम कर दिया हो, तो उसको भी निवर्तन करो। आकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहर प्रभो। आकृत्यकरण, मैं जो पाप पापाचरण करता हूँ और कृत्यों का वर्जन करता हूँ, जो करना है उसे छोड़ देता हूँ, ये सब क्षमा करें। प्रणतार्तिहर, प्रणतों को, आरती को, उनकी पीड़ा को दूर करने वाले भगवान, मैं तो आपका प्रणत हूँ, आपके चरणारविंद में आया हूँ, और इसलिए मैं, मुझसे जो अकृत्य हुआ है यानी पाप काम हुआ है उसको भी आप संभालें, और जो कृत्य करना है, अकृत्य करण कृत्याकरण भगवत अपचार भागवता अपचार है बोलते हैं गति में, उसी प्रकार यहाँ भी प्रार्थना है। एवं श्रीमन नियत पंचांगम मद्रक्षण भरार्पणम अशीकरत स्वयं सुस्मिन अतोहमिह निर्भर। हा, मैं अभी निर्भर हूँ, एक कोई भी भार नहीं है, क्योंकि हे श्रीमन नियत पंचांगम, ये पांच अंग जो है, अर्थात आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्व वर्णनम आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, ये सब जो चीज है, नियत पंचांग मद्रक्षण भर अर्पणम, मद्रक्षण का भर का अर्पण आपके पास अच्छी करत, आप स्वयं स्वीकार कर लिए हैं, स्वयं स्वस्मिन आप ही में ले लिए हैं, आप ही मेरा कंट्रोलर बन गए हैं। अतो हम यह निर्भर रहा, सो मैं, इसलिए मैं आज निर्भर हो गया हूँ। ऐसी प्रार्थना के साथ इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। श्रीमन नियत पंचांगम माम मद्रक्षण भरार्पणम माम स्वयं अचीकरत, अचीकरत यानी स्वीकार कर लिया, ऐसा मतलब, स्वयं स्वयं अचीकरत, ऐसा अचीकरत यानी आप करवाए हो ना, ऐसा मतलब है। मद्रक्षण भरार्पणम अचीकरत, मद्रक्षण भर अर्पण को आप ही करवाई हैं, अच्छी करत स्वयं कृंज करने धातु है, तो आतो ही मैं निर्भर, अतः अहम यह निर्भर, इसलिए मैं इधर निर्भर रह रहा हूँ कि इसी प्रकार रहूं, आप ही के चरणारविंद पालूं, आप ही की सेवा करूं, आप ही के आश्रित रहूं, और मैं मेरा आश्रित सब चेतन हो या अचेतन हो, आप ही की नित्य सेवा में रहें। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ ये स्तोत्र रचना की गई है। कवि तार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरुवे नमः।